हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू फेज लॉक लूप पढ़ा रहा हूँ। फेज लॉक लूप में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो पीएलएल है वो कैसे एप्लीकेशन होता है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर की तरह। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएलएल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है पीएलएल एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर। PLL as a frequency translator, ठीक। तो देखिए frequency translate का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। frequency translate का मतलब ये होता है, translate का मतलब shifting होता है basically। तो यहाँ पे ये होता है shifting of frequency, ठीक है। जो आपका फ्रीक्वेंसी था, जो इनपुट में आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और आप चाह क्या रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाए, ठीक है, शिफ्ट हो जाए बाय अ स्मॉल फैक्टर, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है लेकिन बाय अ स्मॉल फैक्टर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा चेंज करना है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में तो किए ही हैं, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ट्रांसलेट करें बाय स्मॉल फैक्टर। तो अभी कैसे होने वाला है इसके लिए हम लोग चलिए ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखिए, इसमें हम लोगों को पहले पीएलएल था, तो पीएलएल में आपको मालूम होगा कि पीएलएल में हमारा तीन ब्लॉक होता है। यहाँ पे एक होता है फेस डिटेक्टर, ठीक है, फेस डिटेक्टर या फेस कंपैरेटर आप बोल सकते हैं, जो भी, फेस कंपैरेटर, फेस डिटेक्टर। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक होता है जो कि कहलाता है लो पास फिल्टर, जो लो पास फिल्टर है, ठीक। चाहे तो आप यहाँ पे एम्पलीफायर लगा सकते हैं, चाहे आप नहीं भी लगा सकते हैं, कभी कभी ऐसे में लगा देता हूँ एम्पलीफायर, यहाँ पे एम्पलीफायर। और यहाँ से जो इनपुट, इसका जो इनपुट दिया जाता है वो होता है वीसीओ का, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का, जो कि जनरली यहाँ पे दिया जाता है अब पीएलएल में लगाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक और मतलब ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पे दो डब्बा और लगाना होगा। ऐसा ही आपको एक मल्टीप्लायर लगाना होगा, मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर। और यहाँ पे आपको लगाना होगा क्या, यहाँ पे आपको फिर से लो पास फिल्टर लगाना होगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक, इसका हम लोग एक और एडिशनल हम लोग लगा दिए हैं। और यहाँ पे आप इनपुट दे दीजिए, जो इनपुट है, लेट सपोज कि आपको इनपुट एफ एस इनपुट है, ठीक। और अब आप ये जो वी सी ओ का ये है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, जो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा एफ वी सी ओ वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। चलिए अब ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनपुट आएगा, लेट सपोज कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, चलिए इसका नाम ये रख देता हूँ एफ वी सी ओ के बजाय, आप इसका नाम दे दीजिए, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ ओ नाम दे देता हूँ, क्योंकि जनरली बुक्स में वैसे ही लिखा रहता है तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर या फिर मिक्सर कह लीजिए, ये जनरली जब इसमें दो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो इसमें वही फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एक एफ ओ जनरेट करेगा, एक एफ एस जनरेट करेगा, एक एफ ओ प्लस एफ एस करेगा, एक एफ ओ माइनस एफ एस करेगा। तो ये चार फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो मल्टीप्लायर के आउटपुट पर आता है। अच्छा, अब इनपुट हो गया, आउटपुट यहाँ पे एफ ओ एफ एस हो गया, लो पास फिल्टर क्या करेगा, इसमें लो फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एफ ओ माइनस एफ एस फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक मिक्सर है स्टार्टिंग में या फिर मल्टीप्लायर है स्टार्टिंग में, एक लो पास फिल्टर है जो कि पीएलएल से, अगर आप पीएलएल देखेंगे तो पीएलएल आपका यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका पीएलएल वाला कॉन्सेप्ट है, ये पीएलएल है। इसके एक्सटर्नली हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एफ एस है, यहाँ पे एफ ओ है, एफ ओ प्लस माइनस एफ एस, यहाँ पे लो पास फिल्टर है, एफ ओ माइनस एफ एस यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक। तो हम लोगों को अभी करना क्या है, हम लोगों को इनपुट यहाँ एफ एस दिया जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में कुछ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाए, कुछ आगे हो जाए एफ एस से, दो चार फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा आगे हो जाए कुछ या पीछे हो जाए, लेकिन ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसको शिफ्ट करना है एफ एस को, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा यहाँ पे वो एफ ओ मिलेगा, एफ ओ, जो कि एफ ओ यहाँ से हम लोगों को मतलब
बेसिकली वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, तो वो एफ ओ यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छी बात है, ठीक। तो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, इसमें सम और डिफरेंस दोनों फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, ठीक है, जो कि लो पास फिल्टर सिर्फ एफ ओ माइनस एफ एस को ही पास करेगा, ओनली डिफरेंस सिग्नल को ही पास करेगा, ठीक है। अब ये गया पीएलएल के अंदर, पीएलएल को क्या हुआ, पीएलएल को यहाँ पे फेस कंपैरेटर को भी कुछ चाहिए ना भाई, दो फ्रीक्वेंसी लेगा, तो यहाँ पे वो एफ मान लीजिए एफ वन फ्रीक्वेंसी है, एफ वन फ्रीक्वेंसी, तो ठीक। ये एफ वन क्या है, जनरली ये जो एफ वन है ये बहुत बहुत छोटा है एफ एस से, जो आपका सिग्नल आ रहा है उससे बहुत कम फ्रीक्वेंसी होता है। बेसिकली ये क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा इन द सेंस कि जब ये पीएलएल लॉक कंडीशन में होता है, आपको मालूम होगा कि पीएलएल जब लॉक कंडीशन में होगा तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एफ ओ माइनस एफ एस है वो बराबर हो जाएगा एफ वन के, कब, जब ये पीएलएल लॉक कंडीशन में आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि एफ ओ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एस प्लस एफ वन हो जाएगा, अल्टीमेटली यही हुआ, एफ ओ इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एफ ओ इक्वल टू एफ एस प्लस वन। इसका मतलब ये है, फिर ये लो पास फिल्टर से पास होगा, ठीक है, फिर एम्पलीफायर से पास होगा, ठीक है, फिर ये जो आउटपुट आएगा वो एफ ओ आएगा, और एफ ओ क्या आउटपुट आया, एफ ओ आया आउटपुट एफ एस प्लस एफ वन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा, एफ ओ इज इक्वल टू एफ एस प्लस एफ वन। इसका मतलब ये है कि भैया जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आया है वो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ एस है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये ऑफसेट फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं ऑफसेट फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ऑफसेट फ्रीक्वेंसी। तो अल्टीमेटली तो यही हुआ ना भाई, इनपुट में आपने एफ एस दिया था उससे प्लस एफ वन हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलेट हो गया, और ये कब हुआ, जब पीएलएल लॉक स्टेट में था, पीएलएल लॉक स्टेट में था तभी ये एफ ओ माइनस एफ एस इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और ये बराबर होगा तभी एफ ओ जो आएगा वो आपका एफ एस प्लस एफ वन होगा, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो दस इट इज पॉसिबल टू शिफ्ट द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस बाय एफ वन, यही तो हम चाह रहे थे और यही हम करना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर का मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट करना। तो देखिए आपको मैंने छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट कैसे होगा पीएलएल के थ्रू, ठीक। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और एप्लीकेशन के पीएलएल के साथ में, अभी हमारा एएम एफएम डिटेक्टर बचा हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को।